हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हमारी धरती पे तीन भाग पानी है और एक भाग धरती है। तो और वहाँ पे भी पीने लायक पानी बहुत ही कम मात्रा में है। जो तीन भाग पानी है वो खारा पानी है, जिसको हम पी नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ऐसी ही टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाले हैं, जो बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है और उसका यूज़ हम लोग पानी को शुद्ध करने के लिए करते हैं, पीने योग्य बनाने के लिए करते हैं। ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इसमें हम लोग बहुत ही ऐसी साधारण चीज़ें लेंगे जो घर पे हमको आसानी से अवेलेबल होगी और उसको यूज़ करके हम पानी साफ़ करने की अपनी मशीन बनाएंगे। इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको एक बॉटल चाहिए होगी। ऐसी बॉटल ले सकते हो आप, और इसका जो ये वाला भाग है इसको कटिंग करना होगा। तो सबसे पहले हम इस बॉटल का ये वाला भाग कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, हमने इसको कटिंग कर लिया है, हमारे पास ये हो गया है। अब हमको नेक्स्ट क्या चाहिए वो हम आपको बताते हैं। इसके बाद हमको थोड़ा सा ये कोयला, जो हमारा चारकोल है, वो चाहिए होगा। चारकोल बनाने का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो देखना होगा चारकोल बनाने का, तो कमेंट में करके ज़रूर बताना कि चारकोल बनाने का वीडियो चाहिए। और ये थोड़ी सी हमने मोटी वाली सैंड ले ली है, और ये सैंड हमने बाहर से ली है। और जो तीसरी चीज़ है वो है महीन वाली सैंड चाहिए हमको। तो महीन वाली सैंड लेने के लिए हमको पानी के टैंक में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने चेक किया वहाँ पानी के टंकी में थोड़ा सा सैंड था। तो हम लोग उसको भी ले लेते हैं। तो हम लोग पानी की टंकी के पास आ गए हैं, इसको खोल लिया है हमने। देखते हैं इसमें सैंड है कि नहीं। देख सकते हो इसमें थोड़ा थोड़ा नीचे सैंड है। तो ये सैंड हम लोग निकाल लेते हैं। तो इस सैंड को निकाल के हम लोग उसमें फिल्टर में यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सबसे साफ सुथरी सैंड रहेगी हमारे लिए। तो चलो फ्रेंड्स, इसको निकाल लेते हैं फटाफट। तो इसके अंदर किसी को जाना होगा, मोनिका को भेज देते हैं। नहीं, एक मिनट रुको, पहले चली जा। अरे कैसे जाऊंगी, जा तो नहीं घुस पा। अरे रुको रुको रुको, मैं धक्का मारूंगा। मोनिका सैंड लेने के लिए चली गई है, ले रही है। अरे भैया क्या हुआ? अरे कुछ डर लग रहा है ना। हाँ तो फ्रेंड्स, इतनी सैंड हमने टैंक में से निकाल ली है। अब हम लोग चलते हैं अपने वाटर फिल्टर की ओर और देखते हैं हमारे पास कितना और सामान बाकी है। वैसे भी ये सैंड लेके आ गए हैं, आप देख सकते हो ये काफ़ी महीन वाली सैंड है, और ये जो सैंड थी वो काफ़ी मोटी सैंड है उससे, और ये कोयला है। और हमको एक थोड़ा सा पतला पेपर ले लेना होगा फिल्टर वाला, और ये छोटी सी ओखली हमने ले ली है कोयले को पाउडर बनाने के लिए। जो हमारे पास ये चारकोल है, इसको पाउडर बनाएंगे हम लोग इसमें डाल करके। अब हमने ये चारकोल को इसमें डालना है और इसको पाउडर बना लेना है। तो इसको जल्दी से हम लोग इसमें डाल के पाउडर बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो हमारा ये कोयला भी एकदम पाउडर में हो गया है। तो ये पाउडर जैसा एकदम हो गया है। तो अब हम इसको, ये हमारा हो गया है, तो इसको हम लोग ले लेंगे। ये हमारा पाउडर रेडी हो गया कोयले का भी। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास सारी सामग्री रेडी हो गई है। हमारे पास ये कोयला हो गया है, और ये सैंड, और ये हमारे पास महीन वाला सैंड हो गया है। तीनों चीज़ हमारे पास हो चुकी है। सबसे पहले ये जो मास्क वाला कपड़ा है, इसको हम लोग छोटा सा इसको टुकड़ा कर लेंगे। फ्रेंड्स, उसका हमने इतना छोटा टुकड़ा कर लिया है। जो फ्रेंड्स हमने ये कपड़ा काटा था, इसको हम लोग इसमें लगा देंगे। इसको हमने रख दिया है नीचे अच्छे से। अब हम इसके अंदर सबसे पहले कोयले को भरेंगे। तो चलो हम लोग इसको कोयले को भर लेते हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, कोयले को हमने इसमें भर लिया है। तो अभी हम थोड़ा सा इसको दबा देंगे। दबाने से क्या होगा कि ये अच्छे से बैठ जाएगा और पानी को अच्छे से फिल्टर करेगा। इसको हमने दबा लिया है। अभी हम इसमें जो ये महीन वाली सैंड है, ये वाली महीन वाली सैंड है, इसको हम लोग इसमें भरेंगे जो हमने टैंक में से निकाली थी। तो महीन वाली सैंड भर लेते हैं अभी।
देखिए फ्रेंड्स इतनी ही हमको ज़रूरत है, थोड़ा इसको दबा के देख लेंगे, अगर ज़्यादा ज़रूरत होगी तो उसको और ले लेंगे। तो इतनी सी हमने वो वाली सैंड भर ली है, ये सारी सैंड हमने डाल ली है वेस्ट किए बिना। अब इसके बाद बारी आती है मोटी वाली सैंड डालने की, ये वाली। तो अब फ्रेंड्स हम ये वाली सैंड डालेंगे इसके अंदर, डालेंगे तो ये वाली डाल देते हैं मोटी वाली सैंड। तो फ्रेंड्स हमारा ये फिल्टर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें पानी भरने की बारी आई है, तो हम लोग वेस्ट वाटर लेकर आएंगे, गंदा पानी, तालाब का पानी लेकर आ रहे हैं। तो चलिए तालाब का पानी लेकर आते हैं हम लोग। ये हमारे पास ये जो तालाब है इसमें बहुत ही गंदा पानी है, इसका पानी हम लोग ले लेते हैं। ये पानी ले लिया है हमने, गंदा सा पानी है, इसको हम लोग फिल्टर करेंगे। अब हम इसको इस पर सेटअप कर लेते हैं, तो इसको नीचे रख देते हैं और इस पर इसको सेट कर दिया। ये हमारी तीन लेयर है, पहली लेयर कोयले वाली है, फिर महीन रेत की लेयर है और तीसरी लेयर भी रेत की है लेकिन वो मोटे मोटे कंकड़ की है। तो अब हम इसमें ये गंदा पानी डालेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये जो गंदा पानी है ये ऊपर रुका हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे ये जो पानी है ये फर्स्ट लेयर में आएगा जो मोटी वाली है, तो उसमें ज़्यादा जो बड़े बड़े वो होंगे कांटे या लार्वा वगैरह वो उसमें छन जाएगा। दूसरी लेयर है वो महीन रेत की है, जिसमें आप देख सकते हो कि उसमें थोड़ा थोड़ा जो मीडियम टाइप का वो होगा कीटाणु और ये भी जो प्रदूषित कण होंगे वो सेकेंड लेयर में छन जाएंगे, और जो सारे बचे हुए कीटाणु होंगे और जो प्रदूषण होगा पानी के अंदर वो ये तीसरे लेयर में उसको क्लीन कर देगा कोयले वाले लेयर में, और जो लास्ट वाला है वो उसमें से कोई भी कोयले का जो कण होगा वो इस पानी में आने नहीं देगा। तो देख रहे हो फ्रेंड्स ये पानी इसके अंदर आना स्टार्ट हो गया है, ये बूंद बूंद गिरेगा, थोड़ा इसका प्रोसेस स्लो होता है, तो हम थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये जो पानी है वो फिल्टर होके नीचे आ चुका है, तो हमारा ग्लास छोटा है इसलिए हम इसमें ज़्यादा पानी स्टोर नहीं हो पाएगा, तो ये ग्लास में देख सकते हो इतना पानी भर चुका है फिल्टर होके, करीब 45 मिनट्स लगे इतना पानी भरने में। तो अब हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप, ये हमने ये पानी फिल्टर करके ये पूरा देख सकते हो एकदम प्योर पानी है, ये एकदम प्योर पानी आ गया है इसमें, और जो हमने पानी लिया था वो एकदम ऐसा पानी लिया था, ये पानी लिया था फिल्टर किया ऐसा पानी हो गया है, और ये था हमारा फिल्टर करने का प्लांट। तो ये फिल्टर करने की हमारा प्रोजेक्ट था, आप चाहो तो इसको घर पे ट्राई कर सकते हो, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, जो जो हमने ये मटेरियल यूज़ किया है आपको भी उससे अच्छा मटेरियल यूज़ करना चाहिए, ताकि आपका और भी अच्छी तरीके से पानी फिल्टर हो सके, क्योंकि अगर आप गलत चीज़ यूज़ करोगे तो पानी फिल्टर सही से नहीं होगा तो आप उसके लिए ज़िम्मेदार हो जाओगे, और इसलिए हम चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छा मटेरियल यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट पानी मिला है। इसको सबसे पहले हमको स्टरलाइज करना होगा, बॉयल कर लेना होगा, उसके बाद ही इसको हम ड्रिंक कर सकते हैं। बॉयल करने के बाद यह पानी अब ठंडा हो चुका है, अब मैं इसको पी के देखता हूँ कि ये पानी लगता कैसे है। काफ़ी अच्छा पानी है फ्रेंड्स, मज़ा आ गया, ये पानी जो है फिल्टर के पानी से भी अच्छा लग रहा है, मीठा तो गजब का मीठा। आपको हमारा ये प्रोसीजर कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं एक और नए प्रोजेक्ट के साथ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।